से जल गया बहुत ही, जल के लक्कर जैसा सूख गया। भाई दिखाते हैं आपको फॉर्चूनर रेस्टोरेंट के अंदर कैसे भाई ने ना पूरा सामान करके रखा हुआ है। गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस आज फिर हम जा रहे हैं कहीं घूमने फिरने के लिए। मेरे साथ हैं भाई, कैसे भाई साहब? भाई बंक मार के आ रहे हैं, वैसे तो व्लॉग में आने से मना कर रहे थे। पता क्या बात है, जब हम कहीं जाते हैं पता लग जाता है। बताना नहीं ना, चलो ठीक है भाई, मैं बता रहा नहीं हूँ कि भाई भी मेरे साथ है। और आप ये भी ना सोचना कि ये मेरे साथ जा रहे हैं, मैं इनके साथ जा रहा हूँ। देखो ये गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं और मैं साथ जा रहा हूँ, और आज हम बहुत ही मस्त वाला एंजॉय करने वाले हो। देखो भाई उधर एंजॉय तो मैं फिर यार साला। अच्छा एक चीज़ तो बता दो यार, जैसे कि आप अभी हम आपको ना दोनों एक्सपीरियंस देंगे, आप मैं एक मैरिड लाइफ का दूंगा और आप एक यंगेस्ट अनमैरिड नहीं यंगेस्ट लाइफ का। अनमैरिड भाई यंगेस्ट जो 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 चीज है उसको हक से बोला गया इंडिया। अच्छा तो बताइए आप कितने खुश हैं अपनी जिंदगी में? बहुत ज्यादा। क्यों? क्योंकि मैंने जिस तरह के एक्सपीरियंस हो गए ना कि मैरिड, सब कानों के हाथ लगाते हैं, छोटे टकर उल्टे रख लगाते हैं, शादी नहीं करवाने। और कोई मेरे जैसे भी तो होगा जो साला आप भी कान नहीं पकड़ते। रहने दो यार, आप ब्लॉग में बोल रहे हैं आप। अच्छा ब्लॉग में बोल रहा हूँ, चलो कोई बात नहीं भाई। तो गाइस आज हम जा रहे हैं घूमने फिरने, देखते हैं भाई करे पाकिस्तान लेके चलेंगे। पता नहीं मुझे सच में कह रहे कि नहीं जा रहे, क्यों दिखाओगे ना? माफ कर दे, जो अभी तो बोले थे आप चलेंगे आज। मुझे नहीं जाना। नहीं मुझे ना, आपको भी जाना। घूम फिर के वापस आ जाएंगे, भारत अच्छा है। नहीं ओए राम, ऐसे नहीं मैं कह रहा हूँ भाई साहब, मैं वैसे जैसे लोग बाघा बॉर्डर जाते हैं ऐसे कि बॉर्डर पे तो ये बोल लो पाकिस्तान यार। चलो कोई बात नहीं, जहाँ जाएंगे दिख जाएंगे। आगे एक्सीडेंट होगा, आगे एक्सीडेंट होगा गाइस, बहुत तकड़ी भीड़ लग रही है आगे रोड पे, देखते हैं क्या हुआ। तो भाई साहब वही हुई, देखिए आर्मी की जिप्सी ना पलट गई भाई साहब बहुत ही बुरे तरीके से। ये देखिए दिखाते हैं आपको, बहुत भयंकर तरीके से चोट तो नहीं लगी भाई ये, और भगवान करे सब ठीक हो। वैसे ठीक लग रहे सभी है ना? भाई ठीक है, चोट वोट तो नहीं लगी? जा बचाओ गया, ठीक है शुक्रिया। चलो ठीक है यार, भगवान ने बचा दिए। तो आर्मी की गाड़ी थी, आर्मी ऑफिसर थे शायद कोई, आई थिंक, तो वो जा रहे थे भाई साहब, बहुत भयंकर वाला एक्सीडेंट हुआ। तो ठीक कैसे गाड़ी जाके ना डिवाइडर से जाके साइड में रही गाड़ी भाई साहब। एक तो राहों में बगुल बहुत है, उसके ऊपर से अपने उसूल बहुत है, उसके ऊपर से सब टोकते रहते हैं कि रागी भाई उधर जाओ, उधर फूल बहुत है। ये जो हंस रही है दुनिया मेरी नाकामियों पे ताने कस रही है दुनिया मेरी नादानियों पे, पर मैं काम कर रहा हूँ मेरी सारी खामियों पे, कल ये मारेंगे ताली मेरी कहानियों पे, कल जो बदलेगी हवा ये साले शहर मारेंगे हमारे अपने हो कह के ये बाहें गर मारेंगे, क्योंकि जिद्दी बड़ा हूँ मैं, एक कच्चा घड़ा हूँ मैं। तो भाई हमें रुके ना, भाई ने ना हैंड ब्रेक लगाई थी, गाड़ी पीछे जाने लग रही थी और वो उतर के एकदम से चले गए, तो मैंने हैंड ब्रेक लगा दी और उनको अभी तक भी नहीं पता चला कि मैंने क्या गलती करी है, पूछता हूँ अभी जाके। तो अभी हम रुके यहाँ पे खाएंगे पिएंगे, देखिए बड़ा ही बढ़िया लग रहा मुझे, क्या लेंगे, कोल्ड कॉफ़ी कह रहे थे भाई। तो क्या है कोल्ड कॉफ़ी? कोल्ड कॉफ़ी है जी, मिलेगी भाई कह रहे। सुनो आपको पता आप क्यों गलती करके आए हैं बहुत बड़ी? अभी अभी पता है, है? गाड़ी लॉक से भी बड़ी गलती, हैंड ब्रेक नहीं लगाई थी आपने, गाड़ी पीछे जा रही थी, वो मेरी नज़र वैसी पड़ गई एकदम से देखा मैंने। तो भाई अभी हमने पहले कोल्ड कॉफ़ी लेने का मन था हमारा, तो कुछ हल्का सा चलते चलते ले लेंगे क्योंकि हमें जल्दी पहुंचना भी है, टाइम लग जाता है, इसलिए हमने चलते चलते लिया। क्या लिया भाई ये क्या है? एनर्जी ड्रिंक। एनर्जी ड्रिंक क्या होगा इससे? अब आपके पंख लग जाएंगे, पंख उड़ जाएंगे। चलो ठीक है भाई, तो गाइस पीते हैं एनर्जी ड्रिंक, उसके बाद मिलते हैं, देखते हैं वो क्या होगा आगे जाके। तो भाई साहब हमने ना अभी एक चीज देखी है कि ना फॉर्चूनर ना फॉर्चूनर रेस्टोरेंट फॉर्चूनर में ना भाई ने खाना पीने का सामान फॉर्चूनर में भेजा है भाई, पंजाब की ना शान ही अलग है। दिखाते हैं आपको, हम ना बैक ले रहे हैं गाड़ी इसलिए दिखाने के लिए ना, बैक लेके जा रहे हैं फॉर्चूनर रेस्टोरेंट। ये देखिए क्या कमाल है भाई, मजा आ गया देख के भाई। सत श्री अकाल, सत श्री अकाल भाई जी, मैं क्या हम आपको सत श्री अकाल बुला रहे जी,
कैसे है जी? ठीक है। क्या है जी? कड़ी चावल है जी, राजमा चावल है। खीर देखो भाई, खाना तो बनेगा भाई, खीर दे दो भाई। बहुत बढ़िया लगे, हम देख के आगे से वापस आएंगे भाई ने ना, फॉर्च्यूनर में काम किया भाई। पंजाब की शान ही अलग है भाई, मजा आ जाता है जब पंजाब में आते हैं ना हम। ठीक है जी, देना जी। क्या खीर लेनी है? तो गाइस अभी हमने यहाँ से खीर ले रहे हैं, और मुझे ना कड़ी चावल बहुत बढ़िया लगता है, जब भी मैं जाता हूँ ना स्ट्रीट फूड। लेट हो जाएंगे। अच्छा चलो कोई नहीं भाई, मेरे नाम में भाई ना खाने पीने से मना कर देते हैं, कोई बात नहीं भाई। तो कैसा लगा भाई जी आपको फॉर्च्यूनर वाला आइडिया देख के? तो आपके चक्कर गाड़ी में नहीं कह रहा हूँ मैं, वैसे आइडिया मतलब कि यार भाई ने काम में खुशी मिली ना देख के। तो भाई दिखाते हैं आपको फॉर्च्यूनर रेस्टोरेंट के अंदर कैसे भाई ने ना पूरा सामान करके रखा हुआ है। बना के ले आते हैं, यहीं बनाते हैं जी? अच्छा बना के ले आते हैं। बहुत वधिया लगा जी। तो ये हमने खीर ले ली यहाँ से। तो भाई साहब ये आ गई हमारी खीर। भाई ने तो स्टार्ट भी कर दी, खत्म कर दी खा खा के। यार क्या हो गया? मोनस्टार के ऊपर खराब तो नहीं करेगा? मॉन्स्टर के ऊपर या मोनस्टार? बता दो कभी मोनस्टार के ऊपर खराब कर दे? कुछ नहीं करता। चलो ठीक है, या मैं थोड़ी देर वेट करूं? पीनट दे दो, एक तो पीनट दे दो, एक मुरमुरा दे दो। कौन सा वाला खाना भाई? ये वाला या वो वाला? पापड़ वाला। पापड़ वाला दे यार। एक पापड़ दे दो और एक वो दे दो, संतरे वाली टॉफी चूसनी आज। बड़ी टॉफी चूसनी, चूस के तो जा रहे, टॉफी तो मिल ही गई। 30 लाख रुपए की खिला नहीं, नहीं वो जाएगा। एक संतरे किलो, एक संतरे वाले, एक संतरे वाली टॉफी दे दो। संतरे वाला भी लीजिए। हाँ जी, आपके घर पे जी। ये कैसे शांति से भर कैसे हुआ आपके साथ? बिजली से जल गया बहुत जी। हाँ। जल के लक्कड़ जैसा सूख गया था, अगर नहीं कटाता तो कीड़ा पड़ जाता तो मैं मर जाता बहू जी। शहर में ना एक बहू जी है, उसने मेरा इलाज कराया, नहीं तो मैं मर जाता अगर वो नहीं होता तो। चलो बहुत धन्यवाद। क्या नाम था उनका जिन्होंने? नाम रिजाबुल है जी, जिन्होंने इलाज कराया मेरा। एक उसका नाम भूल गया बहू जी, बहुत मोहम्मदन हो आप? मोहम्मदन हो? मोहम्मदन हो? मैं मुसलमान हूँ जी, मैं क्यों झूठ बोलूँ कि मैं हिंदू हूँ। ठीक है चलो, भलाई हो बहू जी। वो बोला जाहिलों का कोई शहर नहीं, क्या जयपुर क्या दिल्ली, अरे जाहिलों का कोई शहर नहीं, क्या जयपुर क्या दिल्ली, अरे क्या जयपुर क्या दिल्ली भाई रे, क्या जयपुर क्या दिल्ली, जाहिलों का कोई शहर नहीं। तो गाइस चलते हैं आगे, मिलते हैं आपको। तो भाई साहब अभी हम रुके हैं एक जगह पे, क्या ये मिल्क बादाम है? पंजाब का बना हुआ स्पेशल, अंकल जी ने बहुत चीजें रखी हुई है यहाँ पे, ट्राई करते हैं। क्योंकि आज हम ना जो भी ले रहे हैं, हमने आज सोचा था कि जो भी लेना स्ट्रीट फूड टाइप ही लेना कुछ भी, क्यों जी? आज हम ये सोच के चले थे कि आज जो भी लेंगे स्ट्रीट फूड को बढ़ावा देना हमने, और अच्छा लगता है यार बहुत, और ताज़ा और फ्रेश भी होता है ये ना, फ्रेश होता है और मज़ा भी आता है यार। थोड़ा थोड़ा खाते चल रहे हैं हम, थोड़ा थोड़ा खाते चल रहे हैं आज। अभी निकल पड़े हम यहाँ से चंडीगढ़ की तरफ, देखते हैं कहाँ पहुँचते यार, क्या होता है रात तक। उसे ले लिया बैलेंस हमने, झटी हुई है। हाँ जी स्लिप कौन सी ली? नहीं हमने तो ली नहीं, है नहीं स्लिप। तो उन्होंने कहा था एग्जिट पर चले जाओ, एग्जिट यही है बाहर निकलने का रास्ता भाई। मन तो पता नहीं इधर न जा किधर न जा, इधर भाई ने बता दिया देखो आज कर। थैंक यू। चलिए हम ना पूरा दिन घूम फिर के पंजाब से चंडीगढ़, चंडीगढ़ से पंचकूला, और अभी रात हो चुकी है। पूरा दिन एंजॉय किया, आपको दिखाया हमने पूरा प्रॉपर व्लॉग, ज़्यादा शूट नहीं कर पाए। भाई ने कपड़े वगैरह लिए, बहुत सी चीज़ें परचेज की, तो क्या हुआ कि हमारे फ़ोन की बैटरी ना लो हो गई थी भाई। और अभी हम घर पहुँचने वाले हैं, रात के 9 बज चुके हैं, घर जाएँगे, खाना खाएँगे, घर जाएँगे खाएँगे भाई।
अपने को सवेरे को खिलाया कुछ। ठीक है यार, मैंने कह तो रहा हूँ आप नहीं खा रहे तो मैं क्या करूँ, बताओ क्या खाओगे। चलो आपने मेरे को खिलाया, अब यहाँ के पूछ रहे आप मेरे को। अभी तो पहुँचे नहीं घर भाई, अभी तो दूर है। वापस कर लो। वापस? श्योर? पक्का? चलो वापस आते हैं भाई। भाई यार, भाई की चॉइस कुछ और थी कि मैं वहाँ जा नहीं सकता था, और भाई रुक नहीं सकते, पंगा ही हो रहा है। अब गरारी फंस रही बीच में, आप ही बताइए क्या किया जाए। ठीक है भाई, हम ठहरे कबीलदार जिनको पूरा दिन घूम फिर के अपने कुंठे पे जाना ही पड़ता है। देखा आपने, गाय पूरा दिन घूमती है, उसके बाद आके अपने कुंठे पे होती है शाम को। ऐसा ही हमारा भाई, दिन में हम भांग खाएं, धतूरा खाएं, कुछ भी खाएं चलेगा, पर शाम को आके अपना कुंठे पे जाना पड़ेगा। आपका क्या है, आपका पता क्या है, जहाँ देखिए तब आप रात वहीं गवाई पूरी रात आपका ये सिस्टम है। तो इसलिए भाई हो सके तो 1-2% कंसेशन। हम मॉर्निंग में यही बात कर रहे थे ना कि शादी नहीं करवानी चाहिए। हाँ, तो आप बताओ आप करवाओगे? आप जा रहे हो खुंटे पे और मैं नहीं जा रहा खुंटे पे, तो वही तो बढ़िया। कौन हुआ ना जाने वाला? ना जाने वाला तो इसका मतलब आप करवाओगे नहीं ना? ना। तो जिस दिन आपके साथ ही होगी ना, उस दिन ये वीडियो आपके आगे लाऊंगा मैं, याद रखना। तो बस कमीना आदमी हो उधर कौन होते हैं जो करते हैं निकाह, बहुत एक्स बुड्ढे को तुम्हारा स्पीकर लेके जाऊंगा जब निकाह होगा ना। मेरे का भाई लुट गई लड़की लुट गई, सारी पोल खोल दूंगा आपके पक्का। पोल क्या खोल दूंगा, मैंने तो ये बोला कि मैं शादी नहीं कराऊंगा। अबे वही तो ना, इसमें क्या पोल है कि यार शादी नहीं करवाएंगे और आज करवा रहे हैं तो पोल नहीं खोलेंगे। तो कोई बात नहीं, वैसे मैं कराऊंगा नहीं। चलो अच्छा देखते हैं। तो गाइस देखते हैं अभी जिस दिन शादी होगी या नहीं होगी क्या होगा, देखेंगे मिलेंगे आपको। और अभी हम पहुंच के देखो, बोर्ड दिखा दो आप, कलाम 19 इतना बोर्ड दिखाने लगे, इतना भाई काम हो लिए क्योंकि हमारे भाई ढिल्ले हैं, अभी तभी तो शादी नहीं करवाते। आपको पता ही चल गया क्यों नहीं करवाते शादी। ठीक है तो गाइज माफी चाहते हैं, कुछ भी आपको बुरा लगा आज के पूरी दिनचर्या में हमारी, और अभी हम इस ब्लॉग का एंड कर रहे हैं। और आप सभी को हमारी तरफ से गुड नाइट प्यार भरा सत श्री अकाल नमस्कार। पंजाबी भाई बन गए आज, पंजाब जाके फॉर्चुनर ढाबा रेस्टोरेंट फॉर्चुनर रेस्टोरेंट देखा हमने गाइज, बड़ा मजा आया। और आप देखना वीडियो को एंजॉय करना, अच्छी लगी है तो शेयर कर देना, वैसे तो आप करेंगे नहीं है क्योंकि मुझे पता पहले ही, पर फिर भी कोई गलती चलती है माफ़ करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।